administration. Administration. Regional administration. Regional administration. मेरा नाम मसरूर बांडे है, मैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा हूँ, हंदवारा से हूँ, और ये मेरे सब काउंसलर्स हैं। तो हमने यहाँ इम्पा में 3 दिन की ट्रेनिंग थी कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स की। ये जो नए काउंसलर होते हैं इनको एक ट्रेनिंग पीरियड होता है 3 दिन के लिए, हमारा था लंगेट, हंदवाड़ा और कुपाड़ा का। तो हम ये मेरे काउंसलर साहबान कल आए थे, मैं चूंकि कल एबसेंट था, मैं आया नहीं था, मेरा कुछ बिजी शेड्यूल था। तो ये मुझे 5 बजे कह रहे हैं हमारी कोई यहाँ अकोमोडेशन नहीं है, ना कोई मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। तो मैंने इम्पा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास न कोई अकोमोडेशन है, आप ड्यूकॉम से बात कीजिए। लेकिन जो चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज से पहले एक महीने से ट्रेनिंग चल रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग वगैरह बाकी, तो एक महीने से ट्रेनिंग चल रही है 50-50 काउंसलरों की, इनकी ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन और बाकी जो सिक्योरिटी का इंतजाम गवर्नमेंट को करना था। जो चिट्ठी मेरे पास चिट्ठी है चीफ सेक्रेटरी साहब की। तो मैंने फिर इम्पा से बात की, उन्होंने कहा हमारे पास एकोमोडेशन नहीं है, आप ड्यूकॉम साहब से बात करो। तो ड्यूकॉम साहब से मैंने बात करने की कोशिश की तो वो नहीं हो पाई। फिर किसी ने मुझे एडिशनल कमिश्नर का नंबर दिया सलाम साहब का, मैंने उससे बात की, उसने कहा आपने 4 दिन पहले एक चिट्ठी लिखनी थी। तो मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा यार इसमें तो चिट्ठी लिखने की ज़रूरत है, एक महीने से ट्रेनिंग चल रही है तो चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत थी, चीफ सेक्रेटरी के आर्डर्स हैं। तो मैं घर से भाग के आया, मैं हंदवाड़ा में था, मैं हंदवाड़ा से भाग के 7 बजे यहाँ पहुँचा। ये लोग सब यहाँ प्रताप पार्क में शाम तक बैठे थे, मैंने इनको होटल में बिठा के अपने खर्चे पे इनको एकोमोडेशन दे दी। तो फिर हमने आज से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी बायकॉट किया है, और सिक्योरिटी ना एकोमोडेशन ना ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटी नहीं, हम अब घर जा रहे हैं वापस। हमारी डिमांड ये है कि जो मतलब जिसके तहत हमने इलेक्शन लड़ा, तो ये जो हम नहीं कहते हमने 5 स्टार, लेकिन ये बंदे जो हैं ये मेरी बहनें हैं, तो इनको एकोमोडेशन चाहिए थी, इनको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए थी, जो कि चिट्ठी में लिखा है चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो चिट्ठी में लिखा था। तो बस हमारी तो बाकी कोई डिमांड नहीं थी, हमने कोई 5 स्टार होटल में नहीं रहना था। तो अब अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है।